देसी विदेशी जायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज बर्गर टिक्की। वेज टिक्की बनाने के लिए मैंने 4 बड़े आलू लिए थे, उन्हें बॉईल किया और उनका छिलका निकालकर मैंने इस तरह से मैच किया। हमने आधा गाजर बारीक काट के लिया है, 5 से 6 फली मैंने बीन्स ली है, आधी कटोरी मैंने मटर लिए हैं, उसे मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, 1 मैंने प्याज लिया है बारीक काट के, आधी मैंने शिमला मिर्च ली है बारीक काट के। अभी हम टिक्की का मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है और 3 चम्मच मैं तेल ले रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं इसमें राई डाल रही हूँ, मस्टर्ड सीड। गैस की फ्लेम को कम रखना है। 2 मैंने बारीक काट के मिर्ची हरी ली थी वो डाल रही हूँ। मैंने 5-6 कली लहसुन लिया था और 1/2 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे मैंने बारीक पीस लिया है। अभी इसे मैं 2 मिनट तक तेल में भून रही हूँ। दो मिनट हो गए हैं, ये हमारा ब्राउन हो गया है मसाला। अभी मैं इसमें ये मटर डाल रही हूँ, बीन्स डाल रही हूँ, गाजर, शिमला मिर्च, धनिया, सभी सब्जियों को हमें 5 मिनट तक भूनना है ताकि इसके अंदर का सारा पानी जल जाए। मटर है उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी है क्योंकि हमने मिक्सी में उसे दरदरा पीसा है, इसलिए तो इसे 5 मिनट तक हम भूनेंगे तो हमारी सारी सब्जियां सूखी हो जाएगी थोड़ी। 5 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई है। अभी हम इसमें मसाला डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। 1/4 चम्मच साग मसाला, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, आधी चम्मच पाव भाजी मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, 2 चुटकी नींबू का सत्य खटाई के लिए, आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी हमारे सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अभी इसमें मैं आलू डाल रही हूँ। अगर आप आलू ना खाएं तो आप केले के भी बना सकते हैं और आप प्याज और लहसुन को भी अवॉइड कर सकते हैं। अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। मसाला हमारा मिक्स हो गया है। आलू डालने के बाद हमें गैस को बंद करके इसे मिक्स करना है। हमारा मसाला बनके तैयार है, इसे हम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। मसाला हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम टिक्की को डिप करने के लिए घोल बना रहे हैं। घोल बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक घोल बनाएंगे। हमारा घोल बनके तैयार है, इस तरह का घोल होना चाहिए। टिक्की की कोटिंग के लिए मैंने ब्रेड को मिक्सी में पीस के इस तरह से ये बुरादा बनाया है। पत्ता गोभी, टमाटर, ककड़ी और प्याज को हमें इस तरह से काटना है। मसाला हमारा ठंडा हो गया है, अभी हम थोड़ा मिश्रण लेंगे और एक बर्गर के साइज की टिक्की बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने सारी टिक्कियां बना ली है। अभी हम टिक्की को इस तरह से घोल में डिप करेंगे। और ब्रेड के क्रंच से कोटिंग करेंगे।
इस तरह से हमें कोटिंग करना है। चारों तरफ से हमें अच्छे से इस तरह से कोटिंग करनी है, आगे पीछे। इस तरह से हमें सारी टिक्की को कोट करके बनाना है। टूटे नहीं इसका ध्यान रखना है, धीरे से लेना है इस तरह से। इस तरह से मैंने सारी टिक्कियों पे कोट कर दिया है। 10 मिनट हमें इसे ऐसे ही छोड़ना है। टिक्की को तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अभी मैं टिक्की इसमें डीप फ्राई कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। इसी तरह हमें इसे कम आंच पे फ्राई करना है। हमें टिक्की को सुनहरी लाल होने तक इस तरह से तलना है, दोनों तरफ से, आगे और पीछे से। हमारी टिक्की बनके तैयार हो गई है। अभी मैंने गैस पे एक नॉन स्टिक तवा रखा है और इस पे थोड़ा सा मैं बटर लगा रही हूँ। इस तरह से बटर लगाना है और एक मिनट तक हमें इस टिक्कियों को सेकना है इस तरह से। दोनों साइड से इनको सेकना है। एक साइड से हमारी टिक्की सिक गई है, अभी हम इसे दूसरी साइड से सेकेंगे। दोनों साइड से हमारी टिक्की सिक गई है, अभी मैं गैस को बंद कर रही हूँ और बर्गर बना रही हूँ। ये बर्गर का सेका हुआ नीचे का भाग है, इस पे मैंने आधी चम्मच टोमेटो सॉस लगाया है, आधी चम्मच ग्रीन चटनी लगा रही हूँ। अभी हमें इसे इस तरह से लगाना है। अभी मैं इस पे ये चीज की स्लाइस लगा रही हूँ। अभी इस पे टिक्की लगा रही हूँ। अभी मैं इसमें ये सब्जियां लगा रही हूँ, टमाटर इस तरह से हमें लगाना है, कुकुमर। ऑनियन अभी हमें इस पे थोड़ा सा चाट मसाला डालना है। अभी हमें ये कैबेज की स्लाइस को रखना है और ये ऊपर वाला भाग रखना है। अगर आप चाहे तो इस पे मायोनीज भी लगा सकते हैं। हमारा बर्गर बनके तैयार है। हमारे बर्गर बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।